आई होप कि बहुत अच्छे हैं। सुबह क्या हुआ कि लाइट नहीं थी गाइस, मैंने वीडियो तो बना दी थी बट अपलोड मैं शाम को ही कर पाई, सॉरी। आप लोग बहुत प्यार करते हैं सच में, और बिल्कुल मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं वो एनर्जी मैं अभी फील कर रही थी कि आप लोग को बहुत वेट हो रहा है मेरी वीडियो का। बहुत दुख हुआ मुझे बट कोई बात नहीं, जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, इसमें भी कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है। चलिए अभी मैं दोबारा एक रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए फिर से, कि जो आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, कोई भी हो सकती है देखो, और जो आपकी पर्सन है उनके बीच में क्या है, क्या है अभी, क्या सिचुएशन है करंट, है ना, एनर्जी देखेंगे और फिर आपके साथ देखेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट ये रीडिंग होने वाली है, और चलिए देखते हैं साइकिक टैरोट से देखते हैं। ओके ओके, आर्कएंजल शैम्यूल को मैंने असिस्ट किया है आज अपनी रीडिंग में। आर्कएंजल शैम्यूल को इन्वोक कीजिए गाइस, आर्कएंजल शैम्यूल को इन्वोक कीजिए और अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए उनसे हीलिंग हीलिंग मांगिए और अपने रिश्ते को हील कीजिए, ठीक है आर्कएंजल शैम्यूल। ओके आर्कएंजल शैम्यूल, प्लीज़ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है करंट। सॉलिट्यूड, थर्ड आई चक्रा, 6-9, ओ माय गॉड 6-9, आपके पार्टनर की फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है गाइस। अगर आपको 6-9, 6-9, 6-9 या कुछ ऐसे दिखता है तो अगर आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी जो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड थी वो बैलेंस हो रही है गाइस, तो आपके पार्टनर की भी वो एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो रही है। स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे कार्ड आ गया है, इसके बाद ही 6-9 के बाद है स्पिरिचुअल यूनियन। आपके थर्ड पार्टी के लिए निकाल रही हूँ बट एनर्जी कहीं और ही आ रही है गाइस। थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन है उनकी, चलिए देखते हैं। ओके आर्कएंजल शैम्यूल प्लीज़ बताइए। ओके और देखते हैं, सबकी कलेक्टिव होती है गाइस ये स्पिरिचुअल यूनियन। एंड क्या है ये मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस, टू ऑफ पेंटिकल। ओके शैडो निकाल, मैं थर्ड पार्टी के साथ रही हूँ लेकिन कनेक्शन आपका फील यहाँ पे आ रहा है। टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी की तरफ से तो कुछ भी नहीं आ रहा उनका। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, लव बिगिंस। और देखो ये कार्ड ना नीचे गिर गया था, उसके नीचे है यूनिवर्स, और क्या है मटेरियल हार्वेस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, क्या बात है, वाओ नाइस। ये तो यूनिवर्स का खेल है, गेम है, यूनिवर्स जो चाहेंगे वही होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा मेरे बच्चों। तो क्या है, थर्ड पार्टी की निकाल रही थी बट थर्ड पार्टी के लिए तो ना नेगेटिविटी उनके अंदर जो भी है, जो उन्होंने वो कर रखा है, बट कहीं ना कहीं वो ना उस चीज़ को समझ रहे हैं, भाई मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ, इसके साथ कैसे हूँ, इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ। सैक्रिफाइस किया हुआ उन्होंने उसके साथ, जानबूझ के उसके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब करना नहीं चाहते एक तरह से, एक हो सकता है उसके साथ मजबूरी मेरे को यहाँ पे लग रही है, क्योंकि चैलेंजेस कुछ ना कुछ तो उनके सामने, ऑब्स्टिकल्स उनके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल वो ना जगलिंग है उनके बीच में, जगलिंग मतलब कि दिमाग में जगलिंग चल रही है, द्वंद कॉन्फ्लिक्ट्स जिसे कहे। ओके ये स्पिरिचुअल तो होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो इंट्यूशन है ना वो बहुत हाई फाई हो गई है, समझ रहे हैं सॉलिट्यूड में बिल्कुल अकेले में बैठ के बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ये क्या चीज़ है, क्यों हो रही है, मैं क्यों इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, ये क्या, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है एक्चुअली।
आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ है, स्पिरिचुअल यूनियन जो आपके साथ है, इसमें यहाँ पर इस सॉलिट्यूड यहाँ पे इसलिए आया, आपके बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे भी थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि वो एक नेगेटिविटी वहाँ से फील हो रही है उनको, नेगेटिव वाइब्स आ रही थर्ड पार्टी से, बिल्कुल। अब इसीलिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी उनको ना कुछ 696 यहाँ पे एंजल नंबर है गाइस, 696, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वो अपने काम में बिजी होते नज़र आ रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे बिजी लग रहे हैं अपने काम में, किसी ना किसी तरह से थर्ड पार्टी से कटना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ एक शुरुआत, आपके साथ यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके साथ वो शुरुआत हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है ये, और यूनिवर्स देखो ये लिखा है, यूनिवर्स दिख रहा है, तो बिल्कुल यूनिवर्स की मर्जी नहीं है। आप थर्ड पार्टी को अब वो रिलीज करना चाहते हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि एक स्पिरिचुअल यूनियन है और ये यूनियन आपके साथ होना है उनका, डेफिनेटली आपके साथ ही होगा। ऑब्स्टिकल्स हैं, टेम्पटेशन मेरे को यहाँ दिख रही है थर्ड पार्टी के साथ, और कुछ नहीं है यहाँ पे, उनको एक टेम्पटेशन है वो भी ख़त्म होगी क्योंकि यूनिवर्स का इंटरवेंशन काफ़ी टाइम से चल रहा है। सॉरी यहाँ पे बिल्कुल सोच आप ही के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है गाइस, बिल्कुल सेक्रीफाइस इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, कहीं ना कहीं डिले हो रहा है उनका कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में ना कहीं ना कहीं चूज़ करने में थोड़ा सा उनको कैसे निकलने का रास्ता वो सोच रहे हैं, इसलिए सॉलिट्यूड वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो सॉलिट्यूड मींस कि हर्मिट मोड पे हैं वो, चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ समझ रहे हैं, कैसे करें, कैसे सॉर्ट आउट करें, इस रिश्ते को कैसे डिवोर्स दूँ, क्या करूँ, अगर वो मैरिड है, अगर ऐसी थर्ड पार्टी ऐसे शादी नहीं है आप लोगों की, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो आपके पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, कनेक्शन में हैं या फिर आप सेपरेशन में हैं, तो आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं उससे निकलते नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं अब तो बस फाइनल कर दूं, अब तो इससे निकलना ही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिविटी है ना, ये नेगेटिविटी है बस, अब बहुत हो गई उनके साथ, अब वो इसको टाटा बाय बाय करने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने ये सोचा था कि ये मेरा प्यार है, आह क्या बात है, ये है मेरा पार्टनर असली, लेकिन असली तो उनको अब समझ में आया शेडो साइड पे जब उन्होंने काम किया अपनी, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो सेम टू सेम मैं ही हूँ, समझ रहे हो। तो आपके पार्टनर आपको अपने में देखते हैं जैसे आप देखते हैं, इसलिए अपने पार्टनर को स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है गाइस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन जो बोलती हूँ, ये डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। तो इसमें आपके पार्टनर को अगर आप अपने अंदर महसूस करेंगे, दिल से अपनी आत्मा के हिस्से को अपने अंदर ही महसूस करोगे, तो बिल्कुल आपके पार्टनर ऐसे ही सामने खड़े जाएंगे और आपको ही देखेंगे, उस आईने में आप ही को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं आपके पार्टनर, इसीलिए द्वंद्व चल रहे हैं उनके सामने किसको चूज़ करूँ, बट कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई रास्ता उनको मिलेगा, कन्फ्यूज़न दूर होंगे और चूज़ करेंगे आपको, बिल्कुल। इसलिए उनकी ग्रोथ भी हो रही है, कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं, और चीज़ों को अगर आपको उन्होंने क्लेम नहीं किया था तो बिल्कुल आपको क्लेम कर रहे हैं आप अपनी जर्नी में कि यस ये मेरा पार्टनर है, ये ही मेरा ट्रू सोलमेट है, यही मेरा ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। और देखते हैं, बिल्कुल न्यू बिगनिंग, अभी मैंने बोला था न्यू बिगनिंग, आपकी नई शुरुआत आपकी बहुत अच्छे से बिल्कुल होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो होनी ही है, ये तो होना ही है, इससे में तो कुछ शक हो ही नहीं सकता, डाउट वाली एनर्जी लानी ही नहीं है, ये तो मेजर अरकाना का कार्ड है, नई शुरुआत तो आपकी होनी ही होनी है। क्राउन चक्रा बिल्कुल अपनी सोच को, आपके पार्टनर बिल्कुल एक पॉजिटिव थॉट्स उन्होंने क्या है ना, जो कहते ना कि एक सकारात्मक सोच के साथ अब चल रहे हैं, नेगेटिविटी को बाय बाय कर दिया उन्होंने, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग उनके अपने अंदर नहीं आने दे रहे, क्योंकि सोच रहे समझ रहे हैं चीज़ों को ना बैठ के। पहले वो थर्ड पार्टी सोचने ही नहीं देती थी, सोचेंगे तो सोचेंगे कैसे, सेलिब्रेशन करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, उधर चलो, इधर चलो, इतना बिजी रखना, मतलब कि इतना मैनिपुलेट करना चीज़ों को, ओके। तो ग्रोथ तो आपके पार्टनर की हो रही है गाइस। और देख लेते हैं, इमोशनल लॉस, आपको बहुत याद कर रहे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा गाइस, ये कार्ड सुबह भी आया था, और बिल्कुल यूनिवर्स उनके साथ है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनको कहीं ना कहीं मिल रही है,
और जो भी चैलेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, वो डर नहीं रहे, उससे लड़ रहे हैं, ठीक है, एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, कुछ भी हो। ये देखो आ रहा था बट ये आ गया, देखो मटेरियल हार्वेस्ट। अब टाइम है हार्वेस्टिंग का, जो भी चीज़ आपने, आपके पार्टनर ने, आपने, देखो ये दोनों की एनर्जी है यहाँ पर इस कार्ड में, आपने जो भी पेशेंस दिखाया है, जो भी काम किया है अपने ऊपर, तो उसका रिजल्ट तो अब मिलेगा ना, रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स आपको मिलेंगे अब आने वाले समय में, मटेरियल गेन हो सकता है, और आपके पार्टनर का भी ये मेरे को दिख रहा है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, ग्रोथ आ रही है। ये आ रहा था, देखो मैंने रख दिया था, अब फिर आ गया। एंजल्स यही कह रहे हैं, आपके श्यामियों कह रहे हैं आपकी ग्रोथ, यस, फियर जो भी था आपके पार्टनर के अंदर, ईगो जो भी थी आपके पार्टनर के अंदर, को डिपेंडेंसी जो भी थी आपके पार्टनर के अंदर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिख रही है मुझे, हट रही है, वो रिलीज़ हो रही है, वो सारे इश्यूज़ जो है ना रिलीज़ हो रहे हैं, है ना, डिजॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हीलिंग चल रही है उनकी, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल हीलिंग उनको, कॉस्मिक एनर्जीज उनको रिसीव हो रही है और उनकी हीलिंग हो रही है थ्रू एंजल्स, है ना, गार्डियन एंजल्स जो उनके हैं और आर्क एंजल्स जो हैं बिल्कुल हील कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं, और साइन भी उनको दिखते होंगे मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पे 999 उनको दिखता होगा, कंप्लीशन का नंबर है बिल्कुल, आपको भी दिखता होगा, आपके पार्टनर को भी दिखता होगा, 9696 and 6996। तो अगर आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा आप दिखने लगे हैं और आप मिड ऑफ द जर्नी यानी जर्नी से थोड़ा सा आगे आ गए हैं, साल भर से डेढ़ साल हो गया आपको, तो बिल्कुल आपके पार्टनर की वो एनर्जीज बैलेंस हो रही है गाइज, यानी कि 96 अगर आपको दिख रहा है तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट है, रीबर्थ प्रोसेस में वो हैं, मेटामॉर्फोसिस यानी कि अब वो तितली बनने के लिए, मतलब उससे पहले का जो पेन होता है ना वो बहुत अजीब सा होता है गाइज। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जो क्या होता है, कौन सा कीड़ा होता है वो, अरे यार हम लोग उसे इल्ली बोलते हैं, पता नहीं क्या कीड़ा होता है वो, तितली बनने से पहले क्या होता है, हाँ उसको जब वो सोचता है कि मैं तो आ गया धरती पे बस, और धीरे धीरे जब उसको वो प्रोसेस शुरू होता है तो उस दिमाग उसका ख़राब होने लगता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे चेंजेस आ रहे हैं मेरे अंदर, और जब उस वो जो चेंजेस आते हैं ना वो बड़े पेनफुल होते हैं, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, प्रकृति क्या कर रही है उसके साथ, है ना, लेकिन जब उसके पंख निकलने शुरू होते हैं तो उसको सोचे ये पंख क्यों निकले, जैसे उड़ता है तो वो दिखता है, वो देखता है कि मैं तो धरती पे हूँ, धरती पे हूँ ही नहीं, मैं तो आसमान में हूँ, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरा, तो वही आपके साथ हो रहा है गाइस। अब समझ लो आपको ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है बट कितना सुखदाई होता है एक बार हो जाए तो। एक देखो इतनी देर से मैं शफल कर रही थी, यूनिवर्स जी आ गए, यूनिवर्स कह रहे हैं बेटा मैं तेरे साथ हूँ, क्यों चिंता कर रहा है, तितली बना के छोड़ूंगा तुझे, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी है, बिल्कुल सोचते नजर आ रहे हैं, अच्छी तरह से सोच रहे हैं वो, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहे हैं उनके, सारे इश्यूज धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रखा उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ, बट आपको सोच रहे हैं फिर भी, उसके साथ रह रहे हैं शरीर से बट आत्मा आपके पास ही है उनकी, ठीक है। और ये देखो होप, होप नहीं छोड़ी उन्होंने, ये स्टार कार्ड है, होप नहीं छोड़ी है, वो होप रखे हुए हैं, और आपको भी यूनिवर्स कह रहे हैं होप रखो, ये स्टार कार्ड है, ये आपकी विश पूरी होगी, और आपके पार्ट, ये देखो गिरा जा रहा है कार्ड, यूं गिरा जा रहा है, अरे भाई मैं ले रही हूँ, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, गार्डियन एंजल्स आके श्यामयुल आई लव यू, होप, यूनिवर्स कह रहे होप रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपकी जो विश है वो पूरी होगी, अरे क्यों नहीं होगी, जब ये ही दुनिया का जो देने वाला है, रखवाला है, वही आपके साथ है, तो दुनिया क्या छीन सकती है आपसे, कुछ नहीं छीन सकती, ठीक है। विश्वास रखो अपने आप पे, उस ईश्वर पे जिसके तुम असली में बेटे हो, बच्चे हो, ठीक है, वही तुम्हारा, उसका हाथ पकड़ लो तो दुनिया एक तरफ और उसका साथ एक तरफ, फिर कि देखो मैजिक ही मैजिक, मिरेकल्स आपकी लाइफ में, डे बाय डे मिरेकल्स, डे टू डे मिरेकल्स, 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 बोलना शुरू करो मैजिक मैजिक मैजिक। तो गाइस ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, मेरे को यहाँ पे एनर्जी बहुत प्यारी सी एनर्जी रिसीव हुई है,
ये ऑब्स्टिकल्स, ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में बिल्कुल पैशन इग्नाइटेड, पैशनेट है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो मजबूरी का नाम जगजीवन राम, ये कुछ ऐसा ऐसी हमारी कहानी कहावत होती थी तो ये है और कुछ नहीं है। ठीक है गाइज, तो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो अपनी जर्नी में, अपना इनवर्क करो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में है, इनवर्क करो और हीलिंग करो और कॉन्शियसली अवेयरनेस में रहो कि क्या करना है क्या नहीं, अपनी इश्यूज को रिलीज करो, कर्मा बैगेज रिलीज करो, ओम मणि पद्मे हम का चैंटिंग करो, जरूर करो, बिल्कुल ठीक है, कर्मा बैगेज रिलीज होंगे। हाँ एक बात और, अगर आप जैसे पितृपक्ष चल रहा है गाइज, अगर भगवत गीता के 11वें अध्याय का आप पाठ करते हैं, आपके जन्म जन्म के जो दुर्भाग्य होता है वो खत्म होता है, नष्ट होता है, दूर होता है, पाप कर्मों से आप मुक्त होते हैं और आपके पितरों को पूरी तरह से क्या कहते हैं मोक्ष मिलता है, उनके आपके पितरों को क्या होता है मुक्ति मिलती है। तो बिल्कुल अगर आप ये करोगे और एक लोटे में जल में देखकर वो करोगे और उसको अपने घर में छांटोगे, छांटना मतलब छिड़कना, ओके, तो अगर आप थोड़ा सा पी भी सकते हैं और उसको पूरा घर में छांट दो, लोगों को जो भी आपके मेंबर्स हैं उनको पिला दो, छांट दो, सबके सबके घर में शांति हो जाएगी, आप देखना इसका मैजिक क्या होगा, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, नारायण भगवान की, तो बोलो नारायण नारायण। God bless you guys, love you all, take care, bye, thank you so much मुझे सुनने के लिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।